अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइफ साइंसेस। वी आर स्टडीइंग अबाउट फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टडीइंग ऑर्गन लेवल। नाउ ऑर्गन व्हेन डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस असेंबल टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर to carry out its function with a great efficiency, such a structure are called organs, and they are specialized to perform a particular function. Now, अब different tissues जो होते हैं वो मिल जाते हैं और कोई एक specific काम करने लग जाते हैं। पहले बात तो ये है कि वो जब टिश्यूज़ मिलेंगे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना देंगे। अब उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर हर टिश्यू अपना स्पेसिफिक काम करेगा, किसी का काम नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा पर्सनल। उसका काम जो है वो उस कंप्लीट स्ट्रक्चर का काम बन जाएगा और एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी, काम करने की सलाहियत इंक्रीज हो जाएगी। इसको कहते हैं ऑर्गन, वो स्ट्रक्चर को ऑर्गन कहते हैं जो टिश्यूज से बनती है। The formation of organ also have selective value because this leads to an efficient accomplish of their functions both quantitatively and qualitatively. अच्छा, अगर इसमें देखते हैं कि एक organ जो है उसके पास formation जो है tissues की selection specific होती है, क्योंकि उसने एक efficiently काम करना है, इसलिए In animals, organ formation is far more complex and defines. अच्छा, plant के अंदर जो है organ formation complex भी होती है और वाजे भी होती है, इस तरह animals के अंदर नहीं होती। अगर हम देखते हैं stomach को, example में आपको stomach बताया हुआ है, stomach के example देखते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर muscles, tissues हैं, जो पीछे हमने टिश्यूज की टाइप्स में पढ़ा, ये सारे मसल्स टिश्यूज हैं। इसके अलावा आप ये गैस्ट्रिक पिट्स देख रहे हैं या फिर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देख रहे हैं, तो ये सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं या सेक्रेटरी टिश्यूज हैं, जिसको हमने ग्लैंडुलर टिश्यूज कहा था। अब ये देखें, ये हम सिर्फ यहीं पर ही रुक जाएँ तो दो किस्म के टिश्यूज हैं जो स्टामिक को बना रहे हैं, और ये खुराक की मिक्सिंग और सेक्रीशन के लिए यूज़ होते हैं। देखें एग्जांपल में क्या कहता है। फॉर एग्जांपल, स्टोमिक विच इज़ एन ऑर्गन हैज़ अ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन, और फूड में सिर्फ प्रोटीन पोर्शन ये हल करता है खुराक का। हैज़ अ सेक्रेटरी एपिथीलियम विच सेक्रीट द गैस्ट्रिक जूस, ये एपिथीलियल सेल्स होते हैं इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कराते हैं। And a muscular smooth for the contraction of the wall of stomach and mixing of food with enzyme thoroughly moving the food to the posterior end. ये वाले मसल जो होते हैं, स्मूथ मसल्स हैं ये सारे इसके पास, ये क्या करते हैं, ये अपनी सर्कुलेशन से एक तो खुराक को मिक्स करते हैं और दूसरा खुराक की मूवमेंट करवाते हैं टूवर्ड द पोस्टीरियर एंड। यहाँ से तो खुराक आएगी एसोफेगस वाली साइड से स्टोमिक में, फिर ये उसको खुराक को साथ साथ पीसते भी रहते हैं, मिक्सअप भी करते रहते हैं, फिर इसकी मूवमेंट भी करवाते हैं टूवर्ड द पोस्टीरियर एंड। इसे हमने किसका नाम दिया है, डुओडेनम का नाम दिया है। तो ये पोस्टीरियर डुओडेनम फर्स्ट पार्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन कमेंट्स।